गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। चलिए, तो पी एंड सी परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन आप डिस्कस कर रहे थे। कुछ क्वेश्चन अपन ने लास्ट में डिस्कस किए थे, कुछ और क्वेश्चन अपन यहाँ पे डिस्कस करें। ताकि चैप्टर आप अच्छे समझ पाए और यहाँ भी कुछ नया आपको क्वेश्चंस के थ्रू सीखने को मिलेगा। और अपन कुछ थ्योरी भी डिस्कस करेंगे आज, थ्योरी को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे। जो आप रिस्ट्रिक्टेड परम्यूटेशन पढ़ रहे हैं, वो रिस्ट्रिक्टेड परम्यूटेशन में और भी रिस्ट्रिक्शन आती हैं। आज अपन उन रिस्ट्रिक्शन पे भी डिस्कशन करेंगे, लेकिन स्टार्ट जब तक बाकी बच्चे ज्वाइन हो रहे हैं कुछ क्वेश्चन से करते हैं। तो बहुत बेसिक्स हम ले लेते हैं, जनरली स्कूल एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं। तब तक आप इसको ट्राई करिए। क्वेश्चन नंबर वन, इफ फिफ्टी सिक्स पी आर प्लस सिक्स इज टू फिफ्टी फोर पी आर प्लस थ्री, इसका वैल्यू आपको 308001 दिया है। एंड यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ आर पी टू। आर पी टू कितना होगा ये आपने फाइंड द वैल्यू ऑफ आर पी टू। तो दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन, ट्राई करिए, आंसर करिए, अपन ऐसे ही डिस्कस करेंगे फिर आगे चलेंगे। सर वो एक बार क्वेश्चन पढ़ सकते क्या? क्या बोले? क्वेश्चन पढ़ सकते क्या? क्वेश्चन आप बोले क्या? 56 पी आर प्लस सिक्स इज टू 54 पी आर प्लस थ्री इज इक्वल टू 308001 इज टू वन, दैट यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ आर पी टू। मतलब ये रिलेशन से आपको आर का वैल्यू मिलेगा, वो आर का वैल्यू आप यहाँ डाल के आंसर करेंगे। अभिषेक, यू हैव नॉट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ आर, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ आर पी टू। आर पी टू का वैल्यू बताना है अभिषेक। यस सर। चलिए चलिए, लौकराट लौकर करा जरा, फिक्र फिक्र नहीं करने का, जल्दी करो। जितना जल्दी आगे बढ़ोगे उतना जल्दी एक नया कंसेप्ट आपको सिखाऊंगा। क्वेश्चन के थ्रू अपन बहुत नए कंसेप्ट सीख सकते हैं, इसमें काफी डिफरेंट टाइप के सम्स बनते हैं। और अभी अपन परम्यूटेशन और रिस्ट्रिक्टेड परम्यूटेशन इतनी ही बात पे डिस्कशन कर रहे हैं, तो लौकर आत लौकर करा जरा। ऋषभ बोधे, तुम्हारा जो आंसर है वो बिल्कुल करेक्ट है। तो ऋषभ बोधे करेक्ट हो गए हैं, अभिषेक 72 50% करेक्ट हैं, और बाकी का किसी का आंसर नहीं है। तो नाउ आर का वैल्यू फाइंड नहीं करना, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ आर पी टू। आर्यन गणवीर करेक्ट है, वेरी गुड, बहुत खुशी होता है जब उतना जल्दी जल्दी आंसर आता है। थोड़ा और जल्दी करिए, फास्ट बी फास्ट, तीन चार आंसर का और वेट करूंगा, देन वी विल डिस्कस इट सॉल्यूशन।
लवकर करा जरा हाँ पूर्वा गलत जवाब हो गया ये चलिए मतलब मेरे को ही सवाल करना पड़ेगा बाकी लोग तो एकदम बैठ गया सर एक मिनट अभिषेक बहादुर नाउ यू आर करेक्ट वेरी गुड अर्चल बहादुर यार करेक्ट है आरपी टू फाइंड करो पूर्वा चेक करो आ गांव आ रहा है चलिए वन मिनट डन नाउ वी आर वी डिस्कस दी सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन एंड इसके लिए सबसे पहले आपको जो रिक्वायर्ड है एनपीआर का फॉर्मूला आप लिख लीजिए द फॉर्मूला फॉर एनपीआर इज एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल दिस इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ एनपीआर एंड नाउ सबसे पहले अपन ये कैलकुलेट करेंगे 56 PR plus 6 now it is 56 factorial divided by 50 minus R factorial now it is 54 factorial divided by 51 minus R factorial this is 30800 now move further सिंप्लीफाई करेंगे बड़े वाले को छोटे फैक्टोरियल में कन्वर्ट करना तो इट कैन बी रिटर्न 56 55 54 फैक्टोरियल ये भी बड़ा वाला फैक्टर है इनटू 51 माइनस आर और 50 माइनस आर फैक्टोरियल एंड डिवाइडेड बाय 50 माइनस आर फैक्टोरियल इनटू 54 फैक्टोरियल Or it is given 30800. Now 54 factorial or 50 minus r factorial cancel again. So we get 51 minus r is equals to 30800 divided by 56 into 55. So divide कर दीजिए. So now. 51 माइनस आर इज इक्वल टू कितना आएगा ये डिवाइड होने का आप बता रहे हो कि मैं कैलकुलेट करूं कितना आता है डिवीजन होते ही 308 10 सो नाउ दिस इज 10 एंड दिस इंप्लाइज द वैल्यू ऑफ आर इज 41 एंड देयरफॉर 41 पी 2 का वैल्यू आपको निकालना है बिकॉज 41 into 40, now this gives you 1640 is your answer. So R का value 41 आता है, हर्ष मिश्रा हम करेक्ट हैं, और RP2 का value 1640 आता है. Now you take the screenshot of this page, और कोई difficulty है calculation में तो पूछ लीजिए. Sir, 50 conversion बताना. क्या बोले? Sir,
51 माइनस आर कैसे 54 माइनस आर में कन्वर्ट हुआ, मतलब उसको फैक्टर्स कर लिया क्या? 51 बाहर निकालोगे तो एक कम, जैसे 6 फैक्टोरियल को क्या लिखते, 6 इंटू 5 फैक्टोरियल, सिमिलरली 51 माइनस आर फैक्टोरियल को क्या लिखेंगे, 51 माइनस आर इंटू उससे एक कम फैक्टोरियल, 50 माइनस आर, समझ गया कुणाल? हाँ सर। मूविंग ऑन टू पेज नंबर दो, सर इधर 41 इंटू 40, 41 इंटू 40 बाय 2 इंटू 1 एंगल, ये वैल्यू है 41P2 का, ये वाला फॉर्मूला लगाओ के एंड पीआर का तो ये आता है। तो परम्यूटेशन में जिसका भी वैल्यू निकालना है, जितना सफिक्स नीचे लिखा है उतनी बार एक एक कम करके लिख दो, और कॉम्बिनेशन में उतने फैक्टोरियल से और डिवाइड हो जाता है। जैसे इफ यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ टेन पी टू, टेन पी टू का वैल्यू निकालना है तो टेन इंटू नाइन कर देना तो 90 आ जाएगा टेन पी टू का वैल्यू। और एक्चुअली ये फॉर्मूला से जब आप इससे कैलकुलेट करोगे तो भी यही आता है, क्योंकि टेन पी टू का फॉर्मूला बनेगा टेन फैक्टोरियल अपॉन 10 माइनस 2 फैक्टोरियल, बोले तो 8 फैक्टोरियल। अब ऊपर वाले 10 फैक्टोरियल को 10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल लिखोगे तो 8 फैक्टोरियल कट जाता है, बात वही आती है 10 इंटू 9, समझ गया फाइल साहू? अरे समझ गया क्या? हाँ ना तो बोलो। यस सर। ऋषि पूछे थे सर। तो नाउ मूविंग ऑन टू पेज नंबर दो, देखिए क्वेश्चन, अब ये नया क्वेश्चन है, एकदम फर्स्ट टाइम आप कर रहे हैं इस क्वेश्चन को, तो ट्राई करिए। ऐसे कंसेप्ट पे जितने क्वेश्चन आएंगे फिर आप सब बना सकते हो। तो क्वेश्चन है, देयर आर 7 लेटर्स एंड 5 letter box, in how many ways can you put the letters letter box? करिए इसका आंसर। Which one is correct? आपके पास 7 लेटर है, अब तो खैर ये चलन खत्म हो गया, लेकिन फिर भी अपन ने क्वेश्चन बनाया। 7 लेटर है और 5 लेटर बॉक्स है, 5 लेटर बॉक्स में 7 लेटर्स को आपने पुटअप करना है, डालना है। कितने तरीके से आप लेटर बॉक्सेस में लेटर्स को डाल सकते हैं? देयर आर 7 लेटर बॉक्सेस, सॉरी देयर आर 7 लेटर्स एंड 5 लेटर बॉक्स, a total number of ways in which you can put the letters in the letter box. हाँ बोलो सर, repetition allowed है कि नहीं है? क्या बोले सर, repetation allowed है कि नहीं है? letter में repetition कैसे allowed होगा, 7 letters हैं। sorry सर, किसको repeat करोगे, letter box को? हर सोमवार पे चेक करें, हर्ष मेश्राम तुम्हारा जो आंसर है वो करेक्ट नहीं है, चेक करें हर्ष मेश्राम। आर्यन गणवी, ना यू आर करेक्ट, आर्यन गणवीर करेक्ट हैं, पूर्वा भी करेक्ट हैं, अक्षत रामटेके चेक करें, हर्ष अम्बाटे चेक करें, नमन करेक्ट हैं, तनिक्षा समर चेक करें, अरमान चेक करें, प्रणव चेक करें, हर्षल भाकरे चेक करें, अंशु बगने चेक करें,
बाप रे इतना रॉन्ग आंसर। अच्छा हर सोमवार के करेक्ट है, सबसे पहला आंसर किया था हर सोमवार के। अभिषेक बात कर चेक करें, ऋषभ ऋषभ चेक करें, प्रणव इंग्लिश चेक करें, आयुष चेक करो, अंशु बगने चेक करिए, वैष्णव चेक करिए, रवि कुमावत करेक्ट। आयुष करेक्ट है, अमन चेक करो, अक्षत चेक करो, समीक्षा समर्थ करेक्ट है, मृदुल मेश्राम करेक्ट। वैष्णव करेक्ट, प्रणव चेक करो, रोशन चेक करो, अभिषेक बात का चेक करिए, कुणाल चेक करो, रोशन करेक्ट, मानसी चेक करो, अमन करेक्ट है, चेक करो, तन्मय रंगारी, तेज प्रताप चेक करो, चलिए समझिए आप इस क्वेश्चन को, हर्षल बागरे चेक करो। अक्षत रामटेकी चेक करिए, भुवन पाटिल चेक करो, कुणाल चेक करिए, तेज प्रताप चेक करो, स्वयं कामले चेक करिए, समझिए क्वेश्चन, अंशु बगने करेक्ट, हर्ष मेश्राम करेक्ट, ओके नाउ सो हियर वी डिस्कस दी सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन, साहिल साहू चेक करें। देखिए आपके पास 7 लेटर्स हैं और उनको 5 लेटर बॉक्स में पुट अप करना है, कितने तरीके से आप 7 लेटर्स को 5 लेटर बॉक्स में डाल सकते हैं, तो इसके लिए जो करेक्ट आंसर है वो है 5 raised to the power 7, फर्स्ट ऑप्शन 5 power 7 इज द करेक्ट आंसर। और हमेशा आप याद रखिए, मतलब बात इसमें ऐसी आएगी कि पहला लेटर डालने के लिए आपके पास चॉइसेस अवेलेबल हैं 5, 7 लेटर्स हैं, तो पहला लेटर 5 लेटर बॉक्स में से आप किसी भी लेटर बॉक्स में डाल सकते हो, तो पहले लेटर के लिए 5 चॉइसेस हैं, दूसरे लेटर्स के लिए भी 5 चॉइसेस हैं, क्योंकि कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। वो ये भी सकता है कि 7 के 7 लेटर एक लेटर बॉक्स में जाएं, वो ये भी सकता है कि 2-3 लेटर बॉक्स खाली भी रह जाएं, तो कुछ भी पॉसिबिलिटी है, सारी पॉसिबिलिटी इसके अंदर आ जाएंगी। तो पहला लेटर आप 5 में से किसी भी एक लेटर बॉक्स में डाल सकते हो, दूसरा लेटर भी 5 में से किसी एक लेटर बॉक्स में डाल सकते हो, मतलब पहले लेटर के लिए 5 पॉसिबिलिटीज आर देयर, सेकंड लेटर्स के लिए भी 5 पॉसिबिलिटीज हैं, थर्ड के लिए भी 5 हैं, तो इस तरीके से 5 × 5 × 5 7 टाइम्स, तो इट इज 5 raised to the power 7, तो करेक्ट आंसर इज 5 power 7। और एक बात हमेशा याद रखें कि जब भी लेटर बॉक्स में लेटर्स को डालना है या फिर कुछ बच्चों में प्राइस का डिस्ट्रीब्यूशन करना है, तो हमेशा जैसे मैं आपको बोलूं कि मेरे पास 5 बॉयज हैं और 5 बॉयज में या 5 गर्ल्स में टोटल 5 स्टूडेंट्स हैं, और 5 स्टूडेंट में 7 प्राइजेस को डिस्ट्रीब्यूट करना है, कितने तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूं, तो अगेन आंसर 5 power 7 है, क्योंकि पहला प्राइज 5 में से किसी को भी दे सकते हैं, दूसरा भी 5 में से किसी को दे सकते हैं, तीसरा भी 5 में से किसी को दे सकते हैं, इसलिए 5 × 5 × 5 वहां भी
फाइव पावर सेवन आएगा, तो आपको प्राइस का डिस्ट्रीब्यूशन करना है या लेटर बॉक्स में लेटर डालना है, दोनों भी सिचुएशन में जो करना पड़ता है वो ध्यान से समझिएगा कि जब आप लेटर बॉक्स में लेटर डालोगे, ये शॉर्टकट तरीका बता रहा हूँ याद रखने के लिए, बहुत लॉन्ग समय तक, लॉन्ग ड्यूरेशन तक आप याद रख सकते हो। होता बात यह है कि लेटर बॉक्स नीचे है और लेटर्स आप ऊपर से डालते हो, मतलब ऐसा लेटर बॉक्स ऐसा लेटर लेता, लेटर बॉक्स जब ऐसा लेटर लेता और आप लेटर डालते हो ऐसा, इस तरीके से, तो नंबर ऑफ लेटर बॉक्स आपके पास पांच थे, तो इसलिए जो पांच है वो बेस में रहेगा क्योंकि वो लेटर बॉक्स है, इस तरीके से लेटर लेगा, तो ये नंबर ऑफ लेटर बॉक्स है और ऊपर से आप लेटर डाल रहे हो, ये याद रखने के लिए बता रहा हूँ। तो फाइव पावर सेवन, आपको ज्यादा कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, आप ये देखो कि डिस्ट्रीब्यूट कौन कर रहा है और ले कौन रहा है, जो ले रहा है वो बेस में रहेगा, जो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है वो पावर में रहेगा, तो यहाँ डिस्ट्रीब्यूट लेटर हो रहे हैं और ले रहा है आपका लेटर बॉक्स, इसलिए फाइव रेज टू दी पावर सेवन इज दी करेक्ट आंसर। कुणाल कुछ बोलना चाह रहे हैं सर? और एक बार ट्रिक बताओ ना। ट्रिक यही है कि आपने लेटर बॉक्स जो है वो बेस में है और लेटर्स आप जो है वो ऊपर से डालते हो, तो नंबर ऑफ लेटर बॉक्सेस आपके पास पांच हैं, तो बेस में क्या नंबर रहेगा? पांच, और पावर में कौन सा नंबर रहेगा? सेवन, फाइव रेज टू दी पावर सेवन। जैसे मेरे पास 10 लेटर बॉक्स है, उसमें 3 लेटर्स को डालना है तो आंसर 10 पावर 3 हो जाएगा। मेरे पास 100 लेटर बॉक्स है, 1000 लेटर्स को उसमें डालना है तो 100 पावर 1000 हो जाएगा। ठीक है, सो लेटर और लेटर बॉक्स के केस में आप ये देख लीजिए, ले कौन रहा है और दे कौन रहा है, जो दे रहा है वो ऊपर रहेगा, जो ले रहा है वो नीचे रहेगा, कहीं कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है, डायरेक्ट आप आंसर कर सकते हो। तो करेक्ट आंसर इज 5 पावर 7। एंड जो एक्चुअल वे है, इसका एक्चुअल तरीका है ये, पहला लेटर बॉक्स के लिए चॉइसेस हमारे पास 5 है, दूसरे लेटर बॉक्स के लिए भी 5 चॉइसेस आर अवेलेबल, तीसरे लेटर के लिए भी देयर आर 3 चॉइसेस, सॉरी 5 चॉइसेस आर अवेलेबल, तो पहले लेटर के लिए भी 5, दूसरे के लिए भी 5, तीसरे के लिए भी 5, चौथे के लिए भी 5, पांचवे के लिए भी 5, छह के लिए भी 5, सातवें के लिए भी 5, तो 5 × 5 × 5 7 टाइम्स, सो आंसर इज 5 पावर 7, दिस इज द एक्चुअल सॉल्यूशन। बाकी जो आपको याद रखना है, डायरेक्ट आपको यदि आंसर करना है कि मेरे को कुछ प्राइस को डिस्ट्रीब्यूट करना है बच्चों को, या फिर लेटर बॉक्स में लेटर्स को डालना है, तो लेटर बॉक्स की पोजीशन नीचे है इसलिए बेस में आएगा, जितने भी नंबर ऑफ लेटर बॉक्स यहाँ पर आएंगे वो बेस में रखेंगे और ऊपर जो आप लेटर डालते हो वो पावर में आएंगे। सो 5 पावर 7 इज द करेक्ट सोल्यूशन। अभी भी किसी बच्चे को इसमें कोई डाउट है तो पूछ लीजिए सर। लेकिन अपने बॉक्स क्या बोले ऋषभ सर? जैसे अगर अपन पहले एक बॉक्स को ले, तो एक बॉक्स में अपने पास 7 लेटर है ना, तो एक बॉक्स को तो अपन 7 तरीके से फिल कर सकते हैं ना, तो फिर 7 to the power 5 क्यों नहीं आया? नहीं, एक लेटर बॉक्स को 7 तरीके से कैसे फिल अप कर सकते हो? मतलब 7 लेटर डाल सकते ना उसमें एक में। देखिए, आप लेटर को डालना शुरू करोगे तो पहला लेटर जो है वो आपके पास लेटर को लेटर बॉक्स में डालना है, तो पहले लेटर के लिए चॉइसेस जो वैकेंट प्लेसेस हैं वो कितने अवेलेबल हैं? सर 7 लेटर तो 5 लेटर। नहीं नहीं सुनो, पहले एक लेटर लिया उसको डालोगे तो उसके लिए कितनी चॉइसेस अवेलेबल है? लेटर को लेटर बॉक्स में डालना 5 बॉक्सेस है, तो एक के लिए 5 चॉइसेस अवेलेबल हुई, एक के लिए 7 कैसे हो जाएंगी चॉइसेस? नहीं तो बॉक्स को मतलब एक बॉक्स में अपन 7 लेटर डाल सकते ना एक टाइम पे, वो सारे केस इंक्लूडेड हो गए तुम्हारे उसमें। जब मैं ऐसे डाल रहा हूँ तो मैंने जैसे पहले लेटर, मैंने पहला लेटर लिया उसको 5 में से किसी एक में ही डाला, मान लो वो पहले में गया, दूसरा लेटर जब मैंने चूज किया उसके लिए भी 5 चॉइसेस है, मान लो वो भी पहले में ही गया, तीसरे लेटर के लिए भी 5 चॉइसेस अवेलेबल है वो भी पहले में ही गया, और ऐसे सातवें लेटर के लिए भी 5 चॉइसेस है मान लो वो भी पहले में गया, तो ये जो 5 पावर 7 वाला केस है इसमें वो भी पॉसिबिलिटी आ गई जो तुम बोल रहे हो। और जो तुम बोल रहे हो कि उसमें यदि मैं पहला लेटर को मतलब पहले बॉक्स में डालने के लिए टोटल अवेलेबिलिटी जो है वो हमारे पास मैं 7ों के 7ों वहीं डाल दूं, वो पर्टिकुलर चॉइस होगी क्योंकि तुम पहला लेटर बॉक्स चूज कर रहे हो और मैं हर लेटर के लिए 5 चॉइसेस लेके चल रहा हूं, तुमने ये बोला कि भाई 7ों के 7ों एक इंच में डाल दो, नहीं आ रही बात समझ? नहीं मतलब मैं ये बोल रहा हूँ सर, जैसे अभी अपने पास 5 बॉक्सेस है और 7 लेटर है, तो अगर अपन ने पहले में एक डाला तो पहले में किसी लेटर को डालने के अपने पास 7 चॉइसेस होंगे क्योंकि 7 लेटर है पहले बॉक्स में डालने के लिए।
फिर दूसरे में भी डालने के लिए, तो उसमें भी सात चॉइसेस रहेंगे ना, तो पांच बार नहीं आएगा सर? नहीं कैसे अवेलेबल रहेंगी भाई, जब तुम एक डाल दोगे तो फिर चॉइसेस कम नहीं हो जाएंगी? एक लेटर बॉक्स तो पूरा खत्म ही हो गया ना तुम्हारा। हाँ ठीक है ना, तो आप कहीं भी गलत नहीं हो गए जब मैं आपको ये बता रहा हूँ कि कभी भी आपको प्राइस का डिस्ट्रीब्यूशन करना है या फिर ये करना है, बस आप ये देख लो कि दो दो लोग हैं, एक ले रहा है और एक दे रहा है, जो ले रहा है वो बेस में रहेगा, जो दे रहा है वो पावर में रहेगा। कभी भी कंफ्यूजन नहीं करना है इसमें, जनरली मिस्टेक बच्चों से यही होती है। सर वो जैसे जैसे मैं बोल रहा था कि एक में डाल दिए, तो उसके बाद भी तो फिर से भी तो अपन उसमें डाल सकते हैं ना, तब भी तो सात चॉइसेस रहेंगी। हमने पहले सातों के साथ उसमें डाल के वो सात वाला केस अलग ही कर दिया है ना। नहीं जैसे अभी अपन एक एक करके डाल रहे हैं, मतलब पांच बॉक्सेस है, मैंने पहले लेटर डालने को देखा तो मेरे पास अभी पांच बॉक्सेस है, तो मेरे पास पांच, मतलब पहले एक पहले सात नहीं है, पांच चॉइसेस है। नहीं सर एक सेकंड, जैसे अभी पांच मतलब बॉक्सेस है ठीक है, तो मैंने पहला लेटर लिया, नहीं पहला बॉक्स लिया, तो पहले बॉक्स में डालने के मेरे पास सात चॉइसेस है, सात लेटर में से कोई भी एक डाल सकता ठीक है। फिर मैंने दूसरा बॉक्स लिया तो उसमें छह, पहला बॉक्स हट गया, सेवन सिक्स फाइव ऐसे करते करते आना पड़ेगा ना। हाँ वही है, सात पावर नहीं बनेगा। आंसर सेम रहेगा क्या? देखो, मतलब सेवन सिक्स फाइव, देखो देखो देखो, कैलकुलेट कर लो दोनों को, इसमें कभी रॉन्ग नहीं होगे जो बता रहा हूँ। सर 5^7 का कैलकुलेशन और उसका कैलकुलेशन सेम है ना? देखो कैलकुलेट करके, मैंने कैलकुलेट करके नहीं देखा ठीक है। चलें आप जब तक देखो एक क्वेश्चन देखते हैं। तो एक तो ये नया कंसेप्ट देखिए, एक तो आपने पढ़ा परमिटेशन, फिर आपने रिस्ट्रिक्टेड परमिटेशन पढ़ा, फिर उस पर एक नॉर्मल सा सवाल आज आपने पहला क्वेश्चन किया था जो NPR की डेफिनेशन पर बेस्ड आता है, पहला क्वेश्चन। दूसरा ये बॉक्स वाला क्वेश्चन, और जो कल अपन कंटिन्यू कर रहे थे उसको आज भी मैं कंटिन्यू करता हूँ, और उसमें रिस्ट्रिक्टेड परमिटेशन में और भी रिस्ट्रिक्शन बढ़ाऊंगा, देखे करके अपन रिस्ट्रिक्शन उस पर बढ़ाते जाएंगे। लेकिन पहले जो कल अपन कर रहे थे एक डिजिट वाला क्वेश्चन, लास्ट में मैंने आपको बताया था वो डिजिट वाले क्वेश्चन बहुत टाइप के आते हैं। कल जो डिजिट इंक्लूड किए थे उसमें जीरो इंक्लूडेड नहीं था, लेकिन जब आपको गिवन डिजिट में जीरो, जैसे कल मैंने आपको डिजिट दिए थे 1, 2, 4, 5, 6, 7, 3 मिसिंग था वहां पर, वहां पे जीरो नहीं था, लेकिन जब डिजिट में जीरो आ जाएगा तब तकलीफें आपकी थोड़ी सी बढ़ेंगी ठीक है। तो लेकिन वो जीरो लाने के पहले मैं एक और क्वेश्चन, ताकि कल की बात रिवाइज हो जाए और फिर अपन आगे चलेंगे। सो नाउ यू हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 सेम आ रहा नहीं है? अच्छा तो फिर देखो कहीं गड़बड़ होगा। सर एक मिनट, क्या उसमें बचा, ये क्वेश्चन ही लिखा है सर, स्क्रीनशॉट लेना है, पर टिक बचा है सर। हाँ सर, अगर इसकी जगह 5-7 लेटर बॉक्स होते और 5 लेटर्स रहते तो क्या आंसर? 7 पावर 7, तो 7 √5 आता क्या? 7 पावर 5 है, लेटर बॉक्स हमेशा नीचे रहेंगे। आपको प्रेफरेंस किसको देना है ये इम्पोर्टेंस है, आप लेटर बॉक्स में लेटर नहीं डाले, आप लेटर्स को लेटर बॉक्सेस में डाल रहे हैं। आप पहला लेटर लेके जाओगे तो उसके पास कितनी चॉइसेस अवेलेबल है? 5। दूसरे लेटर के लिए भी 5 चॉइसेस अवेलेबल है, तो लेटर्स को लेटर बॉक्स में डालना है, तो प्रेफरेंस इज गिवन टू द लेटर। तो सबसे पहले आप लेटर लेंगे, लेटर बॉक्स से शुरुआत नहीं करेंगे, इसको ध्यान में रखना। एंड द क्वेश्चन इज नेक्स्ट, हाउ मैनी डिफरेंट 5 डिजिट नंबर्स How many different 5-digit numbers can be formed from digit? And digits are given to 1, 2, 3, 4, 5. If, अब इसमें फर्स्ट क्वेश्चन ये है, देयर आर नो रिस्ट्रिक्शंस ऑन डिजिट,
एंड रिपीटिशंस आर अलाउड. Repetition allowed BR. The number is odd. Second question. जो आप number count कर रहे हैं वो odd होना चाहिए. The number is odd and no repetitions are allowed. The number is even and repetitions are allowed. The number is greater than 50,000. And no repetitions are allowed. सर आप करें. हाँ तुमको ही करना है. हर्ष मिश्रा हम पहला चेक करो रॉन्ग है. सर आंसर किया. साइड हो प्लीज. अरे हर सर बात गई, ये एबीसीडी ऑप्शन नहीं है, चार फर्स्ट ऑप्शन लिख रहे हो. सॉल्व करना है इनको, चारों को, चार क्वेश्चन है. अरमान करेक्ट है. हर्ष मेश्राम सेकंड क्वेश्चन का आंसर किया. हर्ष मेश्राम सेकंड क्वेश्चन करेक्ट है. सर मैंने भी किया ना. तेज प्रताप फर्स्ट चेक करो. साहिल साहू करेक्ट है. अंशु बगने फर्स्ट करेक्ट है. पूर्वा फर्स्ट करेक्ट. कुणाल चेक करो फर्स्ट. हर्षल बाकरी चेक फर्स्ट करो. सर सभी में फाइव डिजिट नंबर बनाना ही है ना. हाँ अर्ष अम्बाते फर्स्ट चेक करो. आयुष फर्स्ट करेक्ट है. अर्ष मिश्राम चेक कर थर्ड है. आयुष फर्स्ट करेक्ट है. अर्ष मिश्राम थर्ड चेक करो. रवि कुमावत फर्स्ट चेक करो. अमन करेक्ट है फर्स्ट. अनुमान करेक्ट है फर्स्ट. सात्विक अंबाडे फर्स्ट करेक्ट. हर्ष अंबाते फर्स्ट चेक करो. साहिल साहू सेकंड चेक करो. मानसी फर्स्ट करेक्ट है. सेकंड करेक्ट है. थर्ड चेक करो. फोर्थ चेक करो. प्रणव फर्स्ट चेक करो. अमन सेकंड चेक करिए. हर्ष मेश्राम थर्ड चेक करिए. रवि कुमावत चेक करो.
साहिल साहू चेक करो, वेरी गुड हर्ष, फोर्थ करेक्ट है। भुवन पाटिल फर्स्ट चेक करो, वैष्णव फर्स्ट करेक्ट है, आयुष सेकंड चेक करो, मानसी थर्ड करेक्ट है, वैष्णव सेकंड चेक करो, हर्षल भाकरे फोर्थ करेक्ट, अंशु बगने सेकंड चेक करिए, प्रणव फर्स्ट चेक करो, साहिल साहू फोर्थ करेक्ट, ऋषभ सेकंड और फोर्थ करेक्ट है, थर्ड चेक करो, अंशु बगने थर्ड चेक करो, अमन चेक करो थर्ड, वैष्णव सेकंड चेक करो रॉन्ग है, भुवन पाटिल फर्स्ट करेक्ट, हर संभारते फोर्थ चेक करो, साहिल साहू थर्ड चेक करो, पूर्वा फोर्थ चेक करिए, रॉन्ग, हर्ष मेश्राम चेक करो फर्स्ट, सेकंड करेक्ट है कुणाल, हर्षल भाकरे थर्ड चेक करो, अमन थर्ड चेक करो, हर्ष मेश्राम फर्स्ट चेक करो, ऋषभ फर्स्ट करेक्ट है, अंशु बगने फोर्थ चेक करो, रॉन्ग हो गया, भुवन पाटिल सेकंड चेक करो, रॉन्ग है, साहिल साहू सेकंड चेक करो, रॉन्ग है, तेज प्रताप फर्स्ट इतना नहीं आता, थर्ड चेक करो कुणाल, आयुष सेकंड चेक करो, अन्वेषा सेकंड चेक करो, भुवन पाटिल सेकंड चेक करो, हर्ष मिश्राम सेकंड चेक करो, अक्षत रामटेके सेकंड चेक करो, अंशु बगने फोर्थ करेक्ट है, अंशु बगने फोर्थ नहीं, अक्षत रामटेके, अंशु बगने फोर्थ चेक करो, अमन फोर्थ करेक्ट है, ऋषभ बोधे थर्ड चेक करो, मानसी फोर्थ करेक्ट है,
चलिए 1 मिनट मोर देन वी विल डिस्कस सॉल्यूशन. अन्वेषा फोर्थ करेक्ट है. तेज प्रताप फोर्थ करेक्ट. हर्ष मिश्राम चेक करो रॉन्ग है ये. अभी करेक्ट है हर्ष. हर्ष अंबारते चेक करो रॉन्ग है. हर्ष मिश्राम करेक्ट. ऋषभ करेक्ट है. अब भुवन पाटिल चेक करो. हर्ष मेश्राम सेकंड चेक करो. रॉन्ग हो गया ही. अरमान थर्ड करेक्ट है. भुवन पाटिल थर्ड करेक्ट है. नाउ स्टॉप आंसरिंग. हियर वी डिस्कस द सॉल्यूशन. हर्षल भाकरे चेक करो थर्ड. आयुष थर्ड चेक करो. कुणाल फोर्थ रॉन्ग आ रहा. वैष्णव रॉन्ग आ रहा. अंशु बगने करेक्ट है. सेकंड क्वेश्चन. अमन चेक करो रॉन्ग है. थर्ड क्वेश्चन. चलिए स्टॉप आंसरिंग. देख लो सबसे पहला क्वेश्चन जो आपको दिया. सिंपल सा क्वेश्चन था. विथ रिपीटेशन है और कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है. 5 डिजिट दिए हैं. 5 डिजिट नंबर बनानी है विथ नो डिजिट रिपीटेशन. इसके लिए फॉर्मूला होता है एन डिजिट से एन डिजिट नंबर बनाने के लिए विदाउट सॉरी विथ रिपीटेशन. आंसर आपने लिखा था एन पावर एन. यहाँ पर 5 डिजिट है और 5 डिजिट नंबर बनानी है. रिपीटेशन अलाउड है. फर्स्ट क्वेश्चन के लिए फाइव डिजिट नंबर बनानी है. रिपीटेशन अलाउड आपको दिया है. पहले प्लेस को भी 5 में से किसी एक पे से दूसरे के लिए भी 5, तीसरे के लिए भी 5, चौथे के लिए भी 5, विच इज 5 पावर 5, विच इज 3125. फर्स्ट क्वेश्चन के लिए आंसर है 3125. दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन. नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2. द नंबर इज ऑड एंड रिपीटेशन इज नॉट अलाउड. आप जानते हो ऑड नंबर बनाने के लिए यूनिट प्लेस पे ऑड डिजिट आना चाहिए और हमको ये 5 डिजिट नंबर फॉर्म करनी है और यूनिट प्लेस पे ऑड डिजिट ही आ सकता है. ऑड डिजिट आपके पास 1, 3 और 5 है. मतलब यूनिट प्लेस को फिलअप करने के नंबर ऑफ डिजिट 3 हो जाएंगे. इन तीन में से कोई एक नंबर डालोगे तभी नंबर आपका ऑड बनेगा. अब आपके पास बचे हैं 4 जगह और डिजिट भी बचे हैं 4, क्योंकि 1 डिजिट आपने यहाँ पर यूज कर लिया और रिपीटेशन अलाउड नहीं. जो डिजिट आप यहाँ यूज कर लोगे वो यहाँ यूज नहीं हो सकता. तो आप इसको बचे हुए 4 से, इसको 3 से, इसको 2 से और इसको 1 से, मतलब 4 जगहों को 4 नंबर से फिलअप करने के नंबर ऑफ बेस 4 फैक्टोरियल. तो जिसे 3 × 4 फैक्टोरियल. हाँ बोलो सर. बट वहाँ पे तो आपने यूनिट प्लेस का कुछ दिए ही नहीं. वहाँ पे तो नंबर ही सॉरी दिए. अब तो नंबर ऑड होने के लिए यूनिट प्लेस पे ऑड नंबर होना चाहिए ना, तब तो उसको ऑड बोलेंगे. ऑड नंबर का मतलब क्या हो गया? यूनिट प्लेस पे ऑड डिजिट. जैसे इवन वाला क्वेश्चन है, दी नंबर इज इवन, तो अब यूनिट प्लेस पे इवन नंबर आना चाहिए, तब अपन उसको इवन नंबर बोलेंगे. तो ये 5 डिजिट नंबर है और इसको इवन नंबर बनानी है और इसमें रिपीटेशन जो है वो अलाउड आपको करके दिया. अब आपके पास इवन नंबर 2 ही है, 2 या 4, तो इसको फिलअप करने के नंबर ऑफ बेस जो है वो 2 हो जाएंगे. या तो इधर 2 आएगा या 4 आएगा. तो ये नंबर ऑफ बेस लिखे, यहाँ डिजिट नहीं डाल दिया, ये टोटल नंबर ऑफ बेस लिखे हैं. तो इस प्लेस को फिलअप करने के नंबर ऑफ बेस होंगे 2.
आप या तो यहाँ दो डाल सकते हो या चार डाल सकते हो, तब डिजिट इवन बनेगा। और चूंकि रिपीटिशन अलाउड है, अब रिपीटिशन अलाउड है तो यहाँ पांच में से कोई भी एक डिजिट, यहाँ भी पांच में से कोई एक डिजिट, यहाँ भी पांच और यहाँ भी पांच, इसको फिलअप करने के नंबर ऑफ बेस 5 × 5 × 5 × 5 मतलब 5 पावर 4, तो दिस इज 2 × 5 पावर 4 विच इज 625 का डबल विच इज 1250। तो थर्ड क्वेश्चन का आंसर 1250 आता है, 1250। नाउ मूविंग ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन, तो डिजिट है वो आपका ग्रेटर देन 50,000 होना चाहिए और रिपीटिशन नॉट अलाउड, आपको रिपीटिशन जो है वो अलाउड करके नहीं दिया। 50,000 से बड़ा डिजिट आपको बनाना है, 5 digit number, तो दिस इज अ 5 digit number, आपको इसको 50,000 से ज्यादा बनाना, मतलब इस प्लेस पर एक्सट्रीम लेफ्ट पोजीशन पर 5 या 5 से बड़ा कोई नंबर आ सकता है, तो यहाँ पर अपन 5 ही लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ये 5 को फिक्स कर दिया, ये फिक्स है, ये नंबर ऑफ डेज नहीं है, यहाँ पर मैंने 5 डाल ही दिया। अब रिपीटिशन नॉट अलाउड है, तो बाकी बची हुई 4 जगह हैं, इन 4 जगहों पर 4 डिजिट्स को 4 factorial वे से अरेंज कर सकते हैं, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर 4 factorial मतलब 24 हो गया। तो दीज आर दी आंसर, फर्स्ट क्वेश्चन का 3125, सेकंड क्वेश्चन का 72, थर्ड क्वेश्चन 1250 और फोर्थ क्वेश्चन का आंसर 24 आता है। इफ़ यू फेस एनी डिफिकल्टी सॉल्व दिस, इनको समझने में आपको कोई दिक्कत जा रही है तो पूछ लीजिए चारों क्वेश्चन के सॉल्यूशन। सर डी वाला एक बार फिर से समझाइए ना। कौन सा वाला? सर डी वाला। डी, डी में आपको बोला है कि जो नंबर है वो 50,000 से बड़ा होना चाहिए, 50,000 से बड़ा नंबर होने के लिए ये जो पोजीशन है एक्सट्रीम लेफ्ट पोजीशन, यहाँ पर केवल 5 आ सकता है या 5 से बड़ा कोई नंबर आ सकता है, बट हमको गिविन डिजिट्स में सबसे बड़ा नंबर 5 दिया है, तो अपन 5 ही यूज कर सकते हैं यहाँ पर। यहाँ पर 1 नहीं आ सकता, 2 नहीं आ सकता, 3 नहीं आ सकता, 4 नहीं आ सकता, क्योंकि स्टार्टिंग डिजिट यदि 1, 2, 3, 4 में से कोई लोगे तो वो 50,000 से छोटा बनेगा, हमको ग्रेटर देन 50,000 चाहिए, इसलिए ये जो एक्सट्रीम लेफ्ट वाली पोजीशन है 5 की आ सकता है। यहाँ पर मैंने 5 डाल दिया, ये फिक्स कर दिया, अब मेरे पास बचे हैं 4 डिजिट और 4 ही जगह, रिपीटिशन नॉट अलाउड, इसलिए 4 factorial, 24 इज द करेक्ट आंसर। और भी आप परेशानी है तो पूछ लीजिए। सर थर्ड वाला भी रिपीट कर। ठीक है, देखिए थर्ड वाले माइक म्यूट कर लो पहले सभी। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, थर्ड वाले में आपको इवन डिजिट बनानी है, जो डिजिट फॉर्म करनी है वो इवन होना चाहिए। इवन डिजिट का मतलब ये हो गया इवन नंबर फॉर्म करना, और इवन नंबर का मतलब हो गया कि जो यूनिट प्लेस है उस पर कोई इवन नंबर ही आ सकता है, इस प्लेस पे, इस प्लेस पे या तो 2 आ सकता है या 4, क्योंकि हमको गिवन नंबर्स ये हैं, इससे ही नंबर का फॉर्मेशन करना, तो मेरे पास केवल 2 ही इवन नंबर है, 2 या 4, तो इसको फिलअप करने के नंबर ऑफ बेस जो है वो 2 हो जाएंगे, ये लिखा है मैंने, या तो यहाँ पर 2 आएगा या 4 आएगा, ये नंबर ऑफ बेस लिखें, 2 इज दी नंबर ऑफ बेस, तो यहाँ पर 2 तरीके से इसको फिलअप कर सकते हैं। ये प्लेस खत्म हो गया, अब आपके पास बचे हैं 4 प्लेस, बट आपको क्वेश्चन में बोला है कि रिपीटिशन अलाउड, मतलब डिजिट का रिपीटिशन आप कर सकते हो, तो अब ये प्लेस तो खत्म हो गई, इसको तो 2 तरीके से कर सकते हैं, लेकिन इसको फिलअप करने के नंबर ऑफ बेस अब आपके पास 5 हो जाएंगे, क्योंकि रिपीटिशन अलाउड है, यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5 में से कोई भी एक नंबर आ सकता है, इसको फिलअप करने के नंबर ऑफ बेस 5, इसको भी 5, इसको भी 5, इसको भी 5, मतलब 5 power 4 × 2, तो दिस इज दी 1250, दिस इज दी थर्ड क्वेश्चन। और भी कोई डिफिकल्टी है पूछ लो। सर अगर डी वाले क्वेश्चन में अगर रिपीटिशन अलाउड रहता तो? कौन से वाले क्वेश्चन में? लास्ट वाले। ओके, लास्ट वाले में रिपीटिशन अलाउड रहता तो देखिए आपको 50,000 से बड़ा नंबर चाहिए तो यहाँ तो 5 ही आ सकता है, अब उसके बाद आप जब यहाँ पर नंबर लिखोगे तो इसको फिलअप करने के नंबर ऑफ बेस 5, 5, 5, 5, तो 5 power 4 हो जाता उसके इसमें, हर कंडीशन में नंबर मोर देन 50,000 बनता।
और कोई डाउट? चलिए टेक दी स्क्रीनशॉट, स्क्रीनशॉट ले लो इसका सर। हाँ बोलो सर। अगर फर्स्ट वाले क्वेश्चन में 5 डिजिट नंबर बनाना रहता और 4 डिजिट दे रहे तो कैसे करते हैं? अरे 4 डिजिट से 5 डिजिट नंबर कैसे बना सकते हो? फिर यदि 4 डिजिट से आपको 5 डिजिट नंबर बनानी है तो रिपीटेशन अलाउड बोलना पड़ेगा, रिपीटेशन नॉट अलाउड नहीं चलेगा वहां पे। अब तो रिपीटेशन ऑफ डिजिट तो कितने डिजिट नंबर, जैसे मैं केवल एक डिजिट दे दूं, सिंगल डिजिट 1 दे दिया, और उससे तो आप 5 डिजिट नंबर ही बना सकते हो, 6 डिजिट नंबर भी बना सकते हो, तो रिपीटेशन अलाउड होगा फिर उसके। और कोई क्वेरी है? स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए मूविंग ऑन टू पेज नंबर 4। अब आप एक क्वेश्चन का आंसर करिए जिसमें मैं 0 इंक्लूड कर रहा हूँ। ये क्वेश्चन जेई में आया हुआ है, जेई मेंस का क्वेश्चन है। अभी तक आपको जो गिवन डिजिट थे उन गिवन डिजिट में 0 इंक्लूड नहीं किया था। जो नंबर का फॉर्मेशन आप कर रहे थे वो आपको डिजिट जब मैं आपको दिया, जैसे पिछले कल के क्वेश्चन में भी हमने 1 2 4 5 6 दिया, 1 2 4 5 6 7, और अभी भी आज जो हमने क्वेश्चन किए उसमें भी 1 2 3 4 5 ये डिजिट लिए थे। ठीक है, 0 हमने गिवन डिजिट्स में इंक्लूड नहीं किया था, लेकिन जब 0 इंक्लूड हो जाएगा गिवन डिजिट में तो क्वेश्चन की इम्पोर्टेंस थोड़ी सी बढ़ जाती है। क्वेश्चन थोड़ा सा यूजुअल क्वेश्चन से मुश्किल हो जाता है, तो आप ट्राई करिए इस क्वेश्चन को। अगेन एक डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन, पेज नंबर 4 का। Find number between 300 and 3000 that can be formed with the digits 0, 1, 2, 3, 4, 5. When no digit is repeated in any number. अब ये देखिए, आपको वो सारे नंबर बताने हैं जो 300 और 3000 के बीच में बनेंगे, जिनको आप केवल 0, 1, 2, 3, 4, 5 इनकी हेल्प से बना सकते हो। सर रिपीटेशन नॉट अलाउड है ना, और जिसमें नो डिजिट इज रिपीटेड इन एनी नंबर, कोई भी डिजिट रिपीट नहीं करना।
रवि चेक करें, मानसी करेक्ट है, अंशु बगने चेक करें, रवि कुमावत चेक करें। अमन चेक करें, भुवन पाटिल करेक्ट, रवि कुमावत करेक्ट, तेज प्रताप चेक करो, रोशन करेक्ट है, अन्वेषा करेक्ट, आर्यन गणवीर करेक्ट, स्वयं कामले चेक करिए, नमन करेक्ट, अंशु भगने करेक्ट, एक बार और आंसर भेज दो मानसी, हर्ष मेश्राम करेक्ट, अमन करेक्ट, ऋषभ करेक्ट, मानसी करेक्ट, हर्षल करेक्ट, आयुष चेक करो, रॉन्ग हो गया है, चलिए देखते हैं सॉल्यूशन। ये क्वेश्चन को हम दो पार्ट में डिस्कस करेंगे, दो केस बनेंगे, क्योंकि we have to form a digit which is lies between 300 and 3000. 300 is a three digit number and 3000 is a four digit number. तो इसलिए हम दो केस में सॉल्व करेंगे। पहले हम वो सारे थ्री डिजिट नंबर देखेंगे विच आर मोर देन 300, और फिर हम वो सारे फोर डिजिट नंबर लेंगे विच आर लेस देन 3000. क्योंकि वी हैव टू फाइंड नंबर्स लाइंग बिटवीन 300 एंड 3000. तो दो केसेस में अपन सॉल्व करेंगे थ्री डिजिट और फोर डिजिट नंबर, क्योंकि 300 से 3000 के बीच में आपने बनाना है। 300 इज अ थ्री डिजिट नंबर, 3000 इज अ चार डिजिट नंबर। वी हैव टू फाइंड अ नंबर लाइंग बिटवीन 300 एंड 3000, इसलिए दो केसेस को आपको बनाने ही बनाने पड़ेंगे। तो सबसे पहले वी टेक अ थ्री डिजिट नंबर, मोर देन थ्री डिजिट आपको बनाना है, 300 से बड़ा होना चाहिए। तो सबसे पहले अपन केस फर्स्ट में थ्री डिजिट नंबर का फॉर्मेशन कर रहे हैं। तीन डिजिट नंबर आपने बनानी है तो तीन बॉक्स ले लीजिए, और ये जो सारे नंबर्स हैं ये मोर देन 300 होना चाहिए, और मोर देन 300 होने के लिए, और आपको इसमें नो डिजिट रिपीट आपको दिया है, रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज नॉट अलाउड। वी हैव टू फॉर्म अ थ्री डिजिट नंबर विच इज मोर देन 300, इसलिए एक्सट्रीम लेफ्ट पोजिशन पर, मतलब स्टार्टिंग पोजिशन पर, फर्स्ट पोजिशन पर आपका जो नंबर आ सकता है वो तीन चार या पांच में से कोई एक नंबर आप डाल सकते हो। सो इस पोजीशन को फिलअप करने के जो नंबर ऑफ डेज हो जाएंगे वो हो जाएंगे आपके पास तीन, या तो यहाँ पर तीन आएगा या चार आएगा या पांच आएगा, तीन चार पांच में से कोई एक डिजिट डाल सकते हो। और एक बार ये फिलअप करने के बाद, चूंकि रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, एक डिजिट यहाँ यूज कर लिया, टोटल गिवन डिजिट आपको दे रखे थे छह, छह में से एक डिजिट आपने यूज कर ली, इसलिए बाकी प्लेसेस को फिलअप करने के नंबर ऑफ डेज इसको पांच तरीके से फिलअप करोगे, इसको चार तरीके से फिलअप करोगे, तो टोटल नंबर ऑफ नंबर्स वो हो जाएंगे 60, 60 नंबर्स होंगे जो थ्री डिजिट नंबर होंगे एंड विच आर मोर देन 300, जो 300 से बड़े भी होंगे। और नाउ वी मूविंग ऑन टू फोर डिजिट नंबर, चार डिजिट नंबर हम बना रहे हैं, चार डिजिट नंबर जो है वो 3000 से ऊपर या 3000 नहीं होना चाहिए,
क्योंकि वी हैव टू फाइंड अ नंबर व्हिच इज लाइंग बिटवीन 300 एंड 3000, इसलिए फोर डिजिट नंबर की एक्सट्रीम लेफ्ट पोजीशन पर, मतलब इस पोजीशन पर आप केवल दो ही डिजिट यूज कर सकते हैं, या तो वन या तो टू, जिसको फिलअप करने के नंबर ऑफ डेज हो जाएंगे दो। और अब आपके पास टोटल छह डिजिट में से एक डिजिट आपने यहाँ यूज कर लिया, बचे हुए पांच डिजिट हैं, इनको यहाँ पर फिलअप करना है। इसको पांच हुए थे, इसको चार हुए थे और इसको तीन हुए थे, फिलअप कर सकते हैं। ये टोटल वेज आएंगे 120 और इसलिए टोटल नंबर ऑफ नंबर हो जाएंगे 180। 180 इज द करेक्ट आंसर। 180 नंबर होंगे जो कि 300 और 3000 के बीच में होंगे, जो कि इन डिजिट से फॉर्म होंगे, जिनमें रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज नॉट अलाउड। अब इस क्वेश्चन के सोल्यूशन में आपको कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। हेलो सर। हाँ बोलिए। हाँ, वो एक साथ कर सकते हैं ना, मतलब थ्री डिजिट और फोर डिजिट अगर एक साथ किए, फोर डिजिट नंबर, तो जो फर्स्ट बॉक्स है उसमें थ्री, मतलब हाँ वो हो सकता है, वैसे भी हाँ, जीरो भी आ जीरो आ जाएगा तो थ्री डिजिट नंबर बन जाए। हाँ ठीक है सर। ओके नाउ टेक दी स्क्रीनशॉट सर। बोलो हर्ष सर। फोर डिजिट वाला एक और बार बता। देखिए फोर डिजिट नंबर में वी हैव टू फाइंड अ नंबर, फोर डिजिट नंबर व्हिच इज लेस देन 3000, 3000 से छोटा नंबर बनाना है आपको, 3000 से छोटा नंबर बनाना है। तो हमारे पास टोटल छह डिजिट है, इसलिए हम इस पोजीशन पर, स्टार्टिंग पोजीशन पर तीन चार या पांच नहीं ले सकते, क्योंकि आप स्टार्टिंग डिजिट तीन चार या पांच लोगे तो वो 3000 से बड़ा बनेगा। और एक बात है कि जीरो क्यों नहीं ले सकते। इफ यू टेक स्टार्टिंग पोजीशन जीरो, यदि आप जीरो से कोई नंबर शुरू करते हो तब वो फोर डिजिट नहीं, तब वो थ्री डिजिट नंबर ही रह जाएगा। जैसे 0123 मैंने कोई नंबर लिखा तो इनडायरेक्टली वो 123 माना जाता है। जीरो एकदम इनिशियल पोजीशन पे लगा हो, स्टार्टिंग पोजीशन पर, तो वो फोर डिजिट नंबर नहीं, वो थ्री डिजिट नंबर होगा। इसलिए इस पोजीशन पर ना तो आप जीरो यूज कर सकते हो, ना थ्री, ना फोर, ना फाइव, आप यूज कर सकते हो केवल वन या फिर टू। इसलिए इसको फिलअप करने के नंबर ऑफ वेज हो जाएंगे दो, और क्योंकि अब रिपीटेशन अलाउड नहीं है, एक डिजिट हमने यहाँ यूज कर लिया, बचे हुए पांच डिजिट इसको पांच चार और तीन से आप अरेंज कर सकते हो, सिंस रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। यदि रिपीटेशन अलाउड होता तब ये छः छः और छः आता, क्योंकि छः डिजिट हमारे पास है। तो समझ गया हर्ष? यस सर। चलिए नाउ टेक दी स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पेज। कुछ ऐसे ही सवालों के साथ मिलेंगे अगली क्लास में। आज के लिए फिलहाल इतना, धन्यवाद, बाय, गुड नाइट, सब बखैर, शुभ रात्रि, अल्लाह हाफिज़, बाय एवरीवन, बाय सर, बाय।